क्वेश्चन फर्स्ट 2014 दिसंबर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का सिक्स क्वेश्चन आए थे, इसमें ग्राउंड टर्म और वर्ड रूल से रिलेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने एस और एल वैल्यू से निकाल दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए किससे आया है, वर्ड रूल से आया है। CO4 CO12 adopts the फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्लोजो स्ट्रक्चर, सेकंड बी नीडो स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन अराकिनो स्ट्रक्चर, डी हाइपो स्ट्रक्चर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें यह पूछा जा रहा है वर्ड रूल के अकॉर्डिंग कि जो आपका CO4 CO12 है मेटल कार्बोनिल, इसमें ये कौन सा वर्ड रूल है, कौन सा क्लोजो नीडो आर्चिनो और हाइपो में से कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको वर्ड रूल आना चाहिए। वर्ड रूल होता क्या है, एम प्लस वन, एम प्लस टू, एम प्लस थ्री, एम प्लस फोर। जब वर्ड रूल का फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करोगे, अगर इसकी वैल्यू एम प्लस वन आ गई, एम प्लस टू आ गई, एम प्लस थ्री आ गई, एम प्लस फोर होगी, तो क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो होता है। एम यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इन मेटल कार्बोनिल्स। तो देखिए एम प्लस वन आ गया तो इसे हम कहते हैं क्लोजो, एम प्लस टू आ गया नीडो, एम प्लस थ्री आ गया आर्चिनो, एम प्लस फोर आ गया हाइपो। यह है वर्ड रूल के लिए। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम यहां पर दिख रहे हैं जेड इज इक्वल टू एन इंटू एम ई प्लस एल इंटू एल ई, ये एक ब्रैकेट में, माइनस 12N अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। ये आप मेटल कार्बोनिल के लिए निकालो, किसी के लिए भी निकालो, मेनली आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या मेटल कार्बोनिल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो जहां पर Z आपका वर्ड रूल है, वह Z वेट्स रूल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम प्लस वन, एम प्लस टू, एम प्लस थ्री एंड एम प्लस फोर। एन हो गया नंबर ऑफ मेटल्स, एम ई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, देन एल नंबर ऑफ लिगेंड्स, देन एल ई इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स इन लिगेंड्स। तो यहां पर एल ई आपका सीओ है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको हम अब सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, सीओ के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो वो सीरीज मैंने आपको बता रखी है, स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी क्विजन, स्कैंडियम टाइटेनियम वनाडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट, 7 नंबर का है, 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वनाडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट 3 4 5 6 7 8 9, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सीओ में 9 हो गए। तो सबसे पहले हमको जो जो चीजें दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं। N इसमें दिया है CO4 CO का होल 12, तो मेटल इसमें कितने हैं, N होता है नंबर ऑफ मेटल 4। Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, तो CO है तो इसमें होते हैं 9। L लिगेंड टोटल लिगेंड 12, देन एल ई इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन, तो सीओ आपका न्यूट्रल लिगेंड है
और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2। हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है, यहां पर जेड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा जेड इज इक्वल टू एन इंटू एम ई प्लस एल इंटू एल ई ब्रैकेट माइनस 12n/2। यहां फॉर्मूला लिखना है आपको 2, तो सॉल्व कर लीजिए। यहां पर n कितना आ जाएगा 4 × 9 प्लस 12 × 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 12 × n कितना है 4/2। 4 × 9 36 प्लस 12 × 2 24, ये एक ब्रैकेट में माइनस 12 × 4 48/2। देन 36 और 24 कितना हो जाएगा 30, 40, 50, 60। 60 − 48/2 कितना हो जाएगा, इसे घटाओगे तो 2 और 1, 12/2 ये आ गया। 12/2 से इसे डिवाइड करोगे तो आ गया 6। यहां पर आंसर सॉल्व करके 6 आ गया। 6 को आपको कैसे डिवाइड करने हैं, देखिए जितने मेटल है उनको एक साथ ले लो, कितने मेटल है इसमें 4 मेटल है, तो इसको 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मेटल प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हो गया। अब हम 4 की जगह पे लिख देते हैं m और 2 ऐसे ही रहेगा m प्लस 2, जेड की वैल्यू आ गई m प्लस 2, m प्लस 2 आ गया तो ये क्या कहलाता है, नीडो स्ट्रक्चर, नीडो स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, नंबर बी ऑप्शन राइट है। तो ये क्वेश्चन आया था 2014 दिसंबर में 2 मार्क्स के लिए, तो बहुत आसान है, बी ऑप्शन सही रहेगा। फॉर्मूला ये हो गया इसका, और जो रूल है m+1, m+2, m+3, m+4 के लिए, क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो, तो ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हो। फॉर्मूला आपको याद रहना है n × me + l × le − 12n/2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।